हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसके क्लासेस। एसके क्लासेस पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग को अकबर के बारे में पढ़ाऊंगा। इससे पिछली वीडियो में मैंने जो है कि बाबर, हुमायूं एंड शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो आज मैं आप लोग को अकबर के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अकबर को पढ़ाने से पहले दोस्तों मैं आप लोग को ये बता दूँ कि मतलब अकबर के बारे में कुछ बातें बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब कन्नौज एंड बिलग्राम का युद्ध होता है 1540 में, तो शेरशाह सूरी जो है हुमायूं को हरा देता है। हुमायूं जो है जब हार जाता है तो भाग जाता है, ठीक है। भाग के जो है कि अपने ही भाई के गुरु के जो है आश्रम में रहता है और उन्हीं की बेटी से शादी कर लेता है। उनकी बेटी का नाम होता हमीदा बानो बेगम, ठीक है। तो हमीदा बानो बेगम से जो है कि 1541 में शादी करता है और 15 अक्टूबर 1542 में जो है अकबर पैदा होता है, ठीक है। तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में होता है राजा वीरसाल के महल में, ठीक है। राजा वीरसाल के महल में जो अमरकोट के राजा होते हैं, ठीक है। अमरकोट कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। अमरकोट कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो राजस्थान में पड़ता है, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके नीचे अकबर के पिता का नाम हुमायूं था, ठीक है। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम जो है कि हुमायूं जो है हमीदा बानो बेगम से प्यार करके शादी किया था। अकबर का संरक्षक बैरम खां था, ठीक है। अकबर का संरक्षक जो है बैरम खां था और उसका सेनापति भी था, ठीक है। अकबर का सेनापति भी था। अकबर की मृत्यु कब हो जाती है? तो ये जो है 1605 ईस्वी में जो है अकबर की मृत्यु हो जाती है, ठीक। उसके बाद दोस्तों इसका राज्याभिषेक देखते हैं। अकबर का राज्याभिषेक जो है 1556 में कालानौर में मिर्जा अबुल कलीम जो है मिर्जा अबुल कासिम द्वारा किया गया था, ठीक है। मिर्जा अबुल कासिम द्वारा किया गया था। किसका? अकबर का राज्याभिषेक। राज्याभिषेक मुझे किस कभी एग्जाम में पूछ दे कि अकबर का जो राज्याभिषेक किया गया था वो जो है किसके द्वारा किया गया था? तो मिर्जा अबुल कासिम के द्वारा किया गया था, ठीक है। 1556 में कालानौर में, ठीक है, कालानौर में किया गया था, ठीक है दोस्तों। हेमू आदिल शाह सूर जो है कि वो सूरी वंश का जो है कि सूर का सेनापति था जो हेमू था। तो हेमू दिल्ली पर जो है कब्जा कर लेता है और 14वां विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। ये एक हिंदू मतलब जो है कि प्रथम विक्रमादित्य की उपाधि जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण किया था। उसके बाद लास्ट जो है अंतिम विक्रमादित्य की उपाधि हेमू उर्फ हेमूराज दन ने धारण किया था, ठीक है। हेमू उर्फ हेमूराज ने, तो हेमू जो है कि अंतिम जो है हिंदू सम्राट था, ठीक है दोस्तों। हेमू जो है आपका अंतिम जो है हिंदू सम्राट होता है। 5 नवंबर 1556 में जो है पानीपत का युद्ध होता है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको जो है आप नोट डाउन कर लेना अपने कॉपी में दोस्तों ये, ठीक है। ये पूछता है बहुत बार एग्जाम में कि पानीपत का जो है द्वितीय युद्ध कब हुआ था, ठीक है। तो 5 नवंबर 1556 में जो है पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। किसके किसके बीच होता है दोस्तों? तो हेमू और अकबर के बीच होता है, ठीक। हेमू और अकबर के बीच होता है और इस युद्ध में जो है हेमू हार जाता है। हेमू जो है अंतिम हिंदू शासक था, ठीक है। हेमू जो है अंतिम हिंदू शासक था। 1556 से 1560 ईस्वी तक बैरम खां अकबर का जो है संरक्षक था। एक्चुअली जो है कि जब पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है तो उस समय अकबर बहुत छोटा होता है। तो ये युद्ध एक्चुअली में लड़ता है बैरम खां, ठीक है। जो पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा जाता है ये बैरम खां लड़ता है। अकबर तो सिर्फ नाम मात्र राजा रहता है। जो लड़ाई होती है ये बैरम खां के उसमें होती है नेतृत्व में, ठीक है। तो इसमें जो है कि पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमूराज हार जाता है। हेमूराज जो है कि अंतिम हिंदू शासक था। 1556 से 1560 ईस्वी तक जो है बैरम खां अकबर का संरक्षक था और 1560 ईस्वी में जो है राजनीतिक संन्यास ले लेता है, ठीक है। इसके बैरम खां का संन्यास लेने का रीजन भी महामंगा थी, ठीक है। महामंगा की वजह से ही ये बैरम खां जो है संन्यास ले लेता है, क्योंकि बैरम खां नहीं चाहता था कि जो मतलब अकबर है वो महामंगा के चंगुल में फंसे, ठीक है। और उसके बाद यही हुआ, जो ये नहीं चाहता था वही हुआ। इस वजह से ये गुस्से में जो है संन्यास ले लिया था बैरम खां ने, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में बैरम खां के बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों, ठीक। बैरम खां की पत्नी का नाम था सलीमा बेगम, ठीक है। बैरम खां की पत्नी का नाम था सलीमा बेगम। जब बैरम खां की मृत्यु हो जाती है तब अकबर इसी की पत्नी से शादी कर लेता है। उस समय मतलब क्या क्या चल रहा था ऐसी चीज़ें, उस समय जो है कि मतलब बैरम खां की जब मृत्यु हो जाती है तो इसकी पत्नी जो होती है सलीमा बेगम, इससे अकबर शादी कर लेता है, ठीक है। इसका पुत्र होता है बैरम खां का
अब्दुल रहीम खान खाना किसका पुत्र होता है? बहुत बार आप अब्दुल रहीम खान खाना के बारे में जो है पढ़े होंगे, तो अब्दुल रहीम खान खाना जो है ये बैरम खां के पुत्र हैं, ठीक है, बैरम खां के पुत्र थे। तो उसके बाद दोस्तों कि अकबर द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं हम, ठीक है। 1562 ईस्वी में ये गुलाम व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। अकबर जो है कि शेर शाह सूरी के नक्शे कदम पे चलता था। अकबर ने भी बहुत मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे काम किया था। था तो एक अनपढ़ शासक, पर इसने काम बहुत सही किया था, ठीक है। अकबर जो है काम बहुत सही करा था। 1562 में गुलाम व्यवस्था को जो है समाप्त कर देता है। 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर देता है। 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त करता है, जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। जजिया कर किससे लिया जाता है, कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन दोस्तों कि जजिया कर किससे लिया जाता था, तो ये लिया जाता था आपका, ये लिया जाता था आपका गैर मुसलमानों से, ठीक है। ये दोस्तों एसके क्लासेस है। इस चैनल को दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अब मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों, ठीक है। तो आइए दोस्तों देखते हैं, 1563 में इसने सती प्रथा पर रोक लगा दिया था, ठीक। 1563 में इसने सती प्रथा पर रोक लगा दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम नोट डाउन करते चलना अपने कॉपी में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब करता है? तो दोस्तों इसमें होता क्या है, कभी कभी कहीं कहीं पे मैं देखा हूँ कि 1571 दिया रहता है, ठीक है, 1571 दिया रहता है, और कहीं कहीं जो है दोस्तों 72 दिया रहता है, ठीक है, 1572 दिया रहता है। तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन में हो तो आप लगा देना, ठीक है। कभी कभी ये फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब दिया है तो कभी कभी 1571 दिखाता है, कभी कभी 1572। तो इसमें से जो भी आपको जो है कि ऑप्शन दिखा करें उस पर आप जो है ट्रिक कर देना, ठीक। और इसी मतलब वहीं पे जो है कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना करता है और इसी को जो है अपनी राजधानी बना लेता है बाद में दोस्तों, ठीक। उसके बाद 1575 में जो इबादत खाना की स्थापना करता है। इबादत खाना एक्चुअली होता क्या, जैसे हिंदू धर्म में कोई पूजा स्थल होता है उसी तरह इसमें था कि इबादत खाना की स्थापना जो करता है 1575 में, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है दोस्तों। इसकी ये जितने पॉइंट मैंने लिखवाया है सब एग्जाम में आए हुए हैं, इस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आराधनागर, ठीक है, इबादत खाने जो खान इबादत खाना की स्थापना जो करता है, ठीक है, ये क्या कहलाता है आपका, आराधनागर। तो इसमें क्या होता है कि 1578 में जो है इबादत खाना की जो है सभी धर्मों के लिए जो है सभी धर्म के लोगों के लिए जो है प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है, ठीक है। सभी धर्मों के लिए मतलब खोल दिया जाता है कि कोई भी यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, शरण ले सकता है। इसको जो है कि धर्म संसद की स्थापना भी कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहले जो है अलग कास्ट में जो है कि यहाँ पे ईसाई जो है ईसाइयों ने सबसे पहले प्रवेश लिया था दोस्तों, ठीक। आइए आगे देखते हैं दोस्तों, जो 1579 में, ठीक है, 1579 ईस्वी में जो है मजहर नामा की शुरुआत किया था इसने, ठीक है, मजहर नामा की शुरुआत किया था। 1582 में दीन इलाही की स्थापना किया था, ठीक है, 1582 में ये भी आप नोट कर लेना दोस्तों, ठीक है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसमें तो ऐसे सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखवाया, क्योंकि मैं मेन मेन पॉइंट ही लिखवा रहा हूँ, कोई फालतू चीज़ें आप लोग को पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 1582 में दीन इलाही की स्थापना किया था दोस्तों। उससे पहले एक बार मैं कहना चाहूँगा कि ये इसके क्लासेस है, ठीक है, मेरे चैनल इसको जो है कि जो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है, तो हम आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। आपके शेयर लाइक कमेंट से ही हमें जो है मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हम फिर आगे आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहें, ठीक है दोस्तों। और हम ऐसा भी नहीं कि आपका कोई टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम जो है मेन मेन पॉइंट ही आपको पढ़ाते जा रहे हैं, और अकबर के बारे में इससे बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी अन्य गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अकबर के बारे में इससे बाहर जाने की कहीं ज़रूरत ही नहीं है। इसमें पूरी पूरा सब कुछ है अकबर के बारे में, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आते हैं सब कुछ यहीं से मिलेगा आपको, ठीक है दोस्तों। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों, आपका समय ना ज़्यादा लेते हुए। यहाँ पे कुछ नोट यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये नोट है यहाँ पे, जो बिरबल है दीन इलाही अपनाने वाला पहला हिंदू था, ठीक है, जो बिरबल था दीन इलाही अपनाने वाला पहला हिंदू था। इसका वास्तविक नाम क्या था दोस्तों, वास्तविक नाम इसका महेश दास था, ठीक। पूछ देता है कि बिरबल का वास्तविक नाम क्या था, तो ये महेश दास है, महेश दास था इसका, ठीक है।
1583 में इलाही सनवत की शुरुआत करता है, अनुवाद विभाग आगरा में स्थापित किया जिसके प्रमुख फैजी थे। ठीक है, कभी कभी पूछता है ये भी क्वेश्चन दोस्तों कि जो अनुवाद विभाग की स्थापना कौन करता है, तो ये अकबर करवाता है और इसके जो है कि प्रमुख कौन होते हैं, तो ये फैजी होते हैं। ठीक है, ये आपके फैजी होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों 1585 में जो है अपनी इस अपनी राजधानी को जो है लाहौर स्थानांतरित कर देता है। ठीक है, अकबर जो है 1585 में जो है अपनी राजधानी को लाहौर स्थानांतरित कर देता है। ठीक है, अकबर के काल में साहित्य का कार्य देखते हैं। ठीक है, अकबर के काल में साहित्य कार्य। ठीक, तो आइए देखते हैं अकबर के काल में जो है साहित्य कार्य। तो दोस्तों यहाँ पे पहली पॉइंट देख सकते हैं आप, अकबर ने अनुवाद विभाग की शुरुआत की थी, इसलिए महाभारत, रामायण, अथर्ववेद, भागवत गीता और पंचतंत्र का अनुवाद संस्कृत से फारसी में मतलब होना संभव हुआ। ठीक है, फारसी भाषा में संभव हो पाया था। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मुल्ला जो है अब्दुल कादिर बदायूनी प्लस जो है नाकिर खान ने जो है रामायण और सिंहासन 32 को जो है फारसी भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है, वैसे हमेशा यही पूछता है। ठीक है, हमेशा किसने किया था रामायण को जो है फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था दोस्तों, तो बदायूनी ने किया था। ठीक है, अब्दुल कादिर बदायूनी ने, ठीक, रामायण और सिंहासन 32 को जो है फारसी भाषा में अनुवाद किया था। उसके बाद दोस्तों देखते हैं, फैजी ने पंचतंत्र को फारसी भाषा में अनुवाद किया था, और जो फैजी ने इसको पंचतंत्र को जो है, ठीक है, पंचतंत्र को फारसी भाषा में अनुवाद किया था। अनुवाद के बाद जो है अनवार ए सुहेली रखा गया इसका नाम, इस पुस्तक का नाम फिर क्या रखा गया था अनुवाद के बाद, अनवार ए सुहेली रखा गया था। ठीक है, पुस्तक का नाम। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आप, राजतरंगिणी का जो अनुवाद है मौलाना सिरहिंद ने किया था, अथर्ववेद का अनुवाद जो है इब्राहिम सिरहिंद ने किया था। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोग के लिए बहुत मतलब ढूंढ ढूंढ के पॉइंट लाया हूँ। ठीक है, जो कि सब लोग ये नहीं पढ़ाते हैं, राजतरंगिणी, अथर्ववेद और इन सब का मतलब किसने जो है कि अनुवाद कराया था फारसी में। ठीक है, तो दोस्तों आप जो है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं। तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि अथर्ववेद का अनुवाद किसने किया था, तो इब्राहिम सिरहिंद ने किया था। महाभारत का अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी प्लस नाकिर खान ने किया था। ठीक है, और महाभारत का जो है फारसी में अनुवाद करने के बाद उस पुस्तक का नाम क्या रख दिए सब, तो रजमनामा रख दिए। ठीक है, रजमनामा रख दिए महाभारत का जो फारसी में अनुवाद किए थे उस पुस्तक का नाम फिर रख दिए इन्होंने रजमनामा। ठीक है, अकबर के काल में साहित्य का जो है स्वर्ण काल कहा जाता था। ठीक है, अकबर के काल में साहित्य को जो है स्वर्ण काल कहा जाता था, साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता था अकबर के काल में, अकबर के काल को। ठीक है, तो अकबर एक अनपढ़ शासक था, अकबर एक नक्कार नामक वाद्य यंत्र बजाता था। ठीक है, नक्कार नामक वाद्य यंत्र यही होता था, जैसे उसमें क्या होता था दोस्तों कि जैसे ढोलक होती है तो वैसे ही होता था, पर वो छोटा सा जैसे हाथ में लेके नहीं बजाते हैं लोग, वैसा ही था वो। ठीक है, हाथ में लेके लोग बजाते हैं जो एक ही तरफ से बस बजाया जाता था, तो वही नक्कार नामक वाद्य यंत्र बजाता था अकबर। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम। ठीक है, कि अकबर द्वारा क्या क्या बनवाया गया, ठीक है, अकबर द्वारा क्या क्या बनवाया गया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आगरा का किला अकबर के द्वारा बनवाया गया था, इलाहाबाद का किला अकबर के द्वारा, लाहौर का किला भी जो है बनवाया गया था, बुलंद दरवाज़ा। तो एक्चुअली दोस्तों होता क्या है कि गुजरात विजय के उपरांत जो है बुलंद दरवाज़ा, उसी की खुशी में, गुजरात विजय की खुशी में जो है बुलंद दरवाज़ा की स्थापना करते हैं सब। ठीक है, और उसी जब गुजरात विजय के बाद ही पहली बार जो है अकबर समुद्र दर्शन करता है। ठीक है, क्योंकि गुजरात के आसपास समुद्र है, तो वहाँ पे जो है कि गुजरात विजय के बाद ही समुद्र दर्शन करता है पहली बार। कभी कभी पूछ लेता है कि अकबर जो है समुद्र दर्शन कब करता है, तो गुजरात विजय के बाद। ठीक है, गुजरात पे मतलब अटैक करते हैं सब और विजय होते हैं, तो उसके बाद समुद्र का दर्शन करते हैं। ठीक है, फिर पंचमहल किसने बनवाया था, तो ये भी अकबर ने बनवाया था दोस्तों। ठीक, पंचमहल किसने बनवाया था, सलीम चिश्ती का मकबरा किसने बनवाया था, ये भी अकबर ने बनवाया था। ठीक, ये सब मेन पॉइंट हो गए दोस्तों, ये सब क्वेश्चन पूछता रहता है कि पंचमहल किसने बनवाया था, तो ये जो है कि अकबर ने बनवाया था, लाहौर का किला भी अकबर ने बनवाया था, इलाहाबाद का किला भी अकबर ने बनवाया था, बुलंद दरवाज़ा जो है विजय, गुजरात विजय के उपरांत बनाया गया था, गुजरात विजय होने के बाद जो है कि इसने जो है खुशी में जो है बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। ठीक है, और
गुजरात विजय के बाद ही इसने समुद्र दर्शन पहली बार किया था, ठीक है, समुद्र का दर्शन जो है पहली बार किया था। अकबर ने प्रयागराज का नाम इलाहाबाद, इलाहाबाद जो है पहले प्रयागराज ही नाम था, पर अकबर ने ही जो है कि लाभ मतलब जो है कि प्रयाग नाम का प्रयागराज का नाम जो है इलाहाबाद रखा था दोस्तों, ठीक है। अकबर द्वारा शुरू किया गया कुछ पॉइंट देख कार्य देख लेते हैं, ठीक है, क्या क्या शुरू किया था इसने अकबर ने, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मनसबदारी व्यवस्था, ठीक है, मैंने बोला था ना कि ये फॉलो करता था मतलब शेरशाह सूरी को, जैसे उसने भी काफ़ी रैयतवाड़ी व्यवस्था, कृषि व्यवस्था, बहुत चीज़ें करवाया था शेरशाह सूरी ने, तो उसी के नक्शे कदम पे जो है फॉलो करता था। तो अकबर द्वारा शुरू किया गया जो है मनसबदारी व्यवस्था हो गया, ठीक है। सबसे ज़्यादा मनसबदार जो है औरंगजेब के समय में ही रहते थे, ठीक है, पर सबसे ज़्यादा मनसबदार अगर कभी पूछ ले कि सबसे ज़्यादा मनसबदार जो है किसके काल में रहते थे, तो ये औरंगजेब के समय में रहते थे, ठीक है, किसके समय में रहते थे, तो औरंगजेब के समय में रहते थे। जो है आईने दहशाला भी जो है शुरू करवाया था अकबर ने ही, आईने दहशाला। इसमें होता क्या था आईने दहशाला में दोस्तों, आईने दहशाला में होता क्या था कि कर संबंधी था, ठीक है, ये कर संबंधी था, इसके जो है कि ये टोडरमल प्रणाली भी कहा जाता है, ठीक है, आईने दहशाला को टोडरमल प्रणाली भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक। तो यहाँ पे कुछ नोट देख लेते हैं दोस्तों, अकबर के समय में चार प्रकार की जमीन क्षेत्र थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्षेत्र देखते हैं, कृषि कैसे कैसे होती थी उस क्षेत्र पे, उस जमीन पे, ठीक है, जमीन या क्षेत्र पे कृषि कैसे होती थी, जैसे पोलज हो गया, ठीक है, पोलज जमीन हो गया, क्षेत्र हो गया, इसमें क्या होता दोस्तों, कृषि प्रत्येक वर्ष बाद होती थी कृषि, ठीक है। अब प्रति जो होती थी एक या दो साल बाद मतलब इस पर कृषि खेती होती थी, ठीक है। प्रति का मतलब होता है कि एक बार जो है कि छोड़ देते हैं, फिर एक दो साल बाद, मतलब जैसे एक बार कोई चीज़ बो लेते हैं तो फिर उसके बाद एक दो साल छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर दोबारा उस पर जो है खेती करते हैं, ठीक है। चाचर जमीन जो होगी, चाचर जो जमीन भूमि होगी, इसमें क्या होता है दोस्तों, 3 से या 4 साल बाद जो है कृषि करते थे। बंजर में 5 या 6 साल बाद, एक्चुअली बंजर जमीन में क्या होता था कि उपज ज़्यादा तो होती नहीं है, तो क्या करते हैं एक बार खेती करते हैं, फिर 4-5 साल के लिए छोड़ देते हैं, और उसमें जो है कि कूड़ा कचड़ा सब डालते रहते हैं ताकि उसकी मिट्टी जो है अच्छी, ठीक है, फिर वो 5-6 साल बाद जो है फिर खेती करके देखते हैं कि क्या मतलब कैसी हुई, उपजाऊ जमीन हुई कि नहीं हुई, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है भूमि के बारे में हो गया, ठीक है, और कृषि से रिलेटेड चीजें बातें हो गई, ठीक है, ये अकबर के द्वारा जो किया गया था। आइए कुछ और पॉइंट देखते हैं दोस्तों, अकबर ने झरोखा दर्शन शुरू किया था, झरोखा दर्शन किसने शुरू किया था, तो ये अकबर ने किया था। अकबर ने जो है तुलादान शुरू किया था, ठीक है, कभी कभी पूछ देता था तुलादान किसने शुरू करवाया था, तो ये अकबर ने शुरू करवाया था। झरोखा दर्शन किसने शुरू करवाया था दोस्तों, तो ये भी जो है अकबर ने करवाया था, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अकबर ने सुलह कुल शुरू किया था, सुलह कुल किसने शुरू करवाया था, तो ये भी जो है अकबर ने जो है स्टार्ट करवाया था दोस्तों, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप जो है नोट कर लेना, ठीक है, कि झरोखा दर्शन किसने शुरू करवाया था, अकबर ने, तुलादान किसने शुरू करवाया था, अकबर ने, ठीक है, सुलह कुल किसने शुरू करवाया था, तो ये भी अकबर ने करवाया था दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बड़े मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है, एसके क्लासेस इसको आप दोस्तों सब्सक्राइब करें, इसके क्लासेस को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम, ठीक है, अकबर के आक्रमण के बारे में जान लेते हैं। एक्चुअली अकबर का आक्रमण नहीं होता है, इसके सेनापति उस समय आक्रमण करते रहते हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं अकबर के आक्रमण के बारे में, क्योंकि इस समय अकबर छोटा होता है काफ़ी, तो इसके सेनापति आक्रमण करते हैं, बस ये नाम मात्र उस समय राजा रहता है, एक आक्रमण के रिलेटेड अकॉर्डिंग बता रहा हूँ दोस्तों मैं, ठीक है। मालवा पे आक्रमण किया था इसने 1561 में, आमौर पे आक्रमण किया था 1561 में, ठीक है, बैक टू बैक 1561 में आक्रमण, 3 आक्रमण हुआ, चित्तौड़ पे मेवाड़ के राजा के विरुद्ध हुआ था आक्रमण, ठीक है, 1561 में, और सब में इसकी जो है जीत हुई थी, ठीक है, सब में जीता था। गुजरात ये बताया था अभी ना आपको कि गुजरात अभियान किए थे सब, तो उसमें गुजरात विजय के बाद ही जो है कि इसने जो है कि बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था, और उसके बाद जो है कि समुद्र दर्शन जो है पहली बार, मतलब समुद्र का दर्शन किया था पहली बार, कब किया था दोस्तों, तो 1527 में गुजरात विजय के बाद, ठीक है। बंगाल पर भी इन्होंने क्या करा था, आक्रमण करा था 1575 में, और इनकी जो है जीत हुई थी, ठीक है। तो अकबर भी जो है कि बैक टू बैक आक्रमण करता रहता है, ठीक है, बाबर की तरह ही अकबर भी बैक टू बैक आक्रमण करता रहता है, ठीक है।
उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 में। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच होता है दोस्तों, तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। तो यहाँ पे सेनापति के बारे में जान लेते हैं, उस समय जो है कि नेतृत्व कौन करता है, तो ये मानसिंह करता है। मानसिंह ही सेनापति होता है किसका, अकबर का। और इधर से महाराणा प्रताप की तरफ से कौन नेतृत्व करता है, तो हकीम खां। हकीम खां जो है सेनापति होता है महाराणा प्रताप का, ठीक है। तो इसमें दोस्तों जो है कि अकबर की विजय हो जाती है, ठीक है। अकबर जीत जाता है और महाराणा प्रताप हार जाते हैं, ठीक, महाराणा प्रताप की हार हो जाती है। तो आइए दोस्तों नीचे देखते हैं और आगे देखते हैं। अकबर द्वारा ये देखिए, जब अकबर जब लड़ा था तो ये अकबर द्वारा कुछ आक्रमण है, ठीक है। सिंध पर आक्रमण किया था 1590 में और विजय हुई थी इसकी। उड़ीसा में किया था 1591 में, ठीक है, इसमें भी इसकी विजय हुई थी। कंधार प्लस अहमदनगर विजयनगर बहमनी पर जो है आक्रमण किया था अकबर ने 1595। तो ये जो पॉइंट है दोस्तों, उस समय तो उसके सेनापति बस लड़ते थे, अकबर उस समय छोटा हुआ करता था, पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अकबर द्वारा लड़ा गया था ये सभी युद्ध, ठीक है। इसमें अकबर जो है कि बड़ा हो जाता है, तो ये अकबर द्वारा लड़ा गया था ये युद्ध, ठीक है। सिंध, उड़ीसा, कंधार प्लस जो है अहमदनगर जो है विजयनगर बमनी 1595 में, ठीक है। असीरगढ़ दुर्ग पर जो है अंतिम आक्रमण करते हैं 1601 में, ठीक है। असीरगढ़ दुर्ग पर जो है 1601 में जो है अंतिम आक्रमण करता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों आगे, अकबर द्वारा चलाए गए सिक्के, इसके सिक्के के बारे में जान लीजिए दोस्तों, ये भी काफ़ी बार जो है क्वेश्चन आता है, ठीक है। कौन कौन से सिक्के अकबर ने चलवाया था, ठीक, तो अकबर ने कौन कौन से सिक्के चलवाए थे दोस्तों, तो सोने के सिक्के चलवाए थे जिसे संसव और मोहर इलादी आदि कहते थे, ठीक है। चांदी के सिक्के को रुपया एंड जलाली कहते थे, ठीक है। जो है दांबा के सिक्के को जो है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली दांबा लिख गया है दोस्तों, ये यहाँ पे तांबा होगा, ठीक है। तांबा के सिक्के को जो है यहाँ तांबा होगा दोस्तों, ये अब जो है इसको सुधार कर लेना, ठीक है, अपने कॉपी में। तांबा के सिक्के को क्या कहा जाता था दोस्तों, तो दाम और जीतल, दाम और जीतल तांबा के सिक्के को कहा जाता था, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि शेरशाह सूरी भी सिक्का चलवाया था चांदी का, उसको रुपया दिया था, और सोना के सिक्का को असरफी बोला था, उसमें सोना के सिक्का जो चलाया था उसे असरफी बोला जाता था, और चांदी के सिक्के को जो है रुपया बोला जाता था, ठीक है। दांबा के सिक्का को जो है तांबा के सिक्का को जो है दाम बोला जाता था, ठीक है, शेरशाह सूरी के समय में। तो वही चीज़ फॉलो करता है ये भी, सोने के सिक्के को जो है नाम जो है संसप कहता है, मोहर बोला जाता है और इलायती बोला जाता है, ठीक है। चांदी के सिक्के को जो है, चांदी का सिक्का जो है उस समय रुपया कहलाता है और जलाली कहलाता है अकबर के समय में। तांबा के सिक्के को जो क्या कहते हैं दोस्तों, दाम और जीतल, ठीक है। चांदी के सिक्के को रुपया जलाली, तांबा के सिक्के को दाम जीतल, और सोना के सिक्के को जो है सांबर मोहर इलायदी इस नाम से जाना जाता था उस समय, ठीक। आइए आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अकबर के नवरत्न, ठीक है, अकबर के नवरत्न के बारे में हम पढ़ते हैं अब, ठीक। उससे पहले दोस्तों ये लास्ट पेज है, तो एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा कि दोस्तों आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि एक मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह जो है आप लोग के लिए वीडियो लाऊँ दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आप लोग जब सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, तो मेरा मनोबल बढ़ेगा दोस्तों। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए दोस्तों हम पढ़ते हैं अकबर के नवरत्न के बारे में, ठीक है। सबसे पहला देख लेते हैं अबुल फजल। अबुल फजल कौन थे, जिन्होंने पुस्तक लिखी थी आईने अकबरी, जिसको अकबरनामा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इस पर देखते हैं दूसरे नंबर पर फैजी। फैजी जो है एक फारसी कवि होते हैं, ठीक है, फारसी कवि होते हैं, जिनको मैंने बोला था कि फैजी ने ही पंचतंत्र का जो है अनुवाद करा था, फैजी ने ही फारसी में जो है पंचतंत्र का जो है अनुवाद किया था, ठीक है। फैजी और जो अबुल फजल है दोनों भाई होते हैं, और इनके पिता जो है शेख मुबारक खां थे, ठीक है, शेख मुबारक खां थे। फैजी और अबुल फजल जो है भाई थे सगे, और इनके पिता जो थे शेख मुबारक खां थे। तीसरे नंबर पे आपके आते हैं रहीम। रहीम जो है हिंदी कवि थे, जो बैरम खां का पुत्र था, ठीक है। रहीम का पूरा नाम है रहीम खाने खाना, ठीक है, रहीम खाने खाना। तानसेन का वास्तविक नाम ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, इसको तो आप जरूर नोट कर लेना, ठीक है, कि तानसेन का वास्तविक नाम क्या था, तो रामतनु पांडे था, ठीक है। उपाधि इसको मियाँ भी बोला जाता था, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, इसको भी हम नोट कर लेना दोस्तों कि मियाँ की उपाधि किसे मिली थी, तो रामतनु पांडे को मिली थी। और दिया किसने था, मियाँ करके बुलाया किसने था, तो ये अकबर ने बुलाया था, ठीक है, अकबर ने ही उपाधि दिया था तानसेन को मियाँ की।
ठीक है। उसके बाद टोटर मल जो थे अकबर के दरबार में जो है वित्त मंत्री थे दोस्तों, बीरबल जो है या सलाहकार थे, ठीक है, सलाहकार थे, मंत्री थे अकबर के दरबार में, ठीक। और बीरबल का नाम जो है वास्तविक नाम था महेश दास, ठीक, बीरबल का नाम जो है महेश दास था। मुल्ला दो प्याजा जो भोजन पकाते थे, एक्चुअली इनको खाने में प्याज डालने के बड़े शौकीन थे, तो इनका नाम ही पड़ गया था मुल्ला जी दो प्याजा, ठीक है, मुल्ला जी दो प्याजा जो भोजन पकाते थे, ठीक है। एक हकीम हमगा थे जो वैद्य थे, ठीक है, इसके दरबार में अकबर के दरबार में जो है हकीम हमगा जो है ये वैद्य थे। मानसिंह और मीर बख्शी जो थे, ठीक है, ये सेनापति थे अकबर के दरबार में, ठीक है, मानसिंह जो है सेनापति थे अकबर के दरबार में। तो दोस्तों यहाँ पे चित्रकारी के बारे में देख लेते हैं। अकबर के दरबारी चित्रकार जो थे मुकुंद दशवंत पशावन और मेशकोन थे, ठीक है। नोट देख लेते हैं, पॉइंट देख लेते हैं कुछ दोस्तों। अकबर ने अपने सिक्कों पर राम सीता के चित्र बनवाए थे, ठीक है। कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि राम सीता के जो चित्र है अपने सिक्के पे किसने बनवाया था दोस्तों, तो ये जो है अकबर ने ही बनवाया था, ठीक है। कभी कभी पूछता है कि लक्ष्मी जी के चित्र जो है अपने सिक्के पे किसने बनवाया था, तो लक्ष्मी जी का जो चित्र है अपने सिक्के पे किसने बनवाया था दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने, ठीक है। और अकबर ने जो है राम सीता के जो है और अकबर जो है राम सीता का जो है चित्र बनवाता है अपने सिक्के पे, ठीक है, जो सिक्के चलाता है उस पर जो है राम सीता के जो है चित्र बनाता है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, जो राहुल फिंच होते हैं ये, ठीक है, 1583 से 1591 में पहला ब्रिटिश यात्री था जो अकबर के दरबार में आता, ठीक है। ब्रिटिश यात्री सबसे पहला कौन था, तो ये राहुल फिंच थे जो भारत आए थे अकबर के दरबार में, ठीक। पूछता है कभी कभी कि अकबर के दरबार में कौन सा ब्रिटिश यात्री आया था, तो राहुल फिंच थे, ठीक है। कब आए थे, 1583 से 1591 के मतलब 91 के बीच में आए थे, ठीक है। या तुलसीदास के बारे में देख लेते हैं दोस्तों, तो तुलसीदास जो है अकबर के समकालीन थे। अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन कि अकबर का पूरा नाम क्या था, तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है। आप देख रहे होंगे दोस्तों कि इस वीडियो में जो है कि अकबर के बारे में एक भी पॉइंट छूटी नहीं होगी, सब मैंने बता दिया है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। 1605 ईस्वी में होता क्या है कि अकबर की मृत्यु हो जाती है, और अकबर का मकबरा है सिकंदराबाद आगरा में है, ठीक है, आगरा में ही दफनाया जाता है इसको, इसका मकबरा जो है बनवाया जाता है, और ये अपने मकबरा का खुद ही फाउंडेशन करता है, बट इसको जहांगीर ने जो है कंप्लीट करवाया था, ठीक है। इसके मकबरा को कंप्लीट किसने करवाया था दोस्तों, तो जहांगीर ने जो है कंप्लीट करवाया था, ठीक है। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम, ठीक है, अकबर जो है इसको सलीम नाम रखा था जहांगीर का, और जहांगीर जो है अकबर का एक बिगड़ैल पुत्र था, ठीक है, जहांगीर अकबर का एक बिगड़ैल पुत्र था। तो दोस्तों जो है कि कभी कभी पूछ लेता है कि जो है कि मतलब बाबर थे, ठीक है, बाबर का जो मकबरा था, ठीक है, जो बाबर का मतलब एक था ना बाबरनामा में, उसने लिखा था कि मुझे जो है काबुल में दफनाया जाए, तो बाबर जब मरा था तो उसको आगरा में दफनाया गया था। बाद में जब अब्दुल रहीम खान खाना ने जो है कि इसका जब फारसी में अनुवाद कर रहे थे बाबरनामा का, ठीक है, आईने ये जो थे बाबरनामा जो पुस्तक थी उसका अनुवाद कर रहा था अब्दुल रहीम खान खाना ने, तो वो बोला कि सरकार जो है कि आपके दादाजी चाहते थे कि हमें जो है मतलब मेरा मकबरा जो है काबुल बनवाया जाए, मुझे मतलब काबुल दफनाया जाए मेरे इस बॉडी को। तो बाद में होता क्या है कि अकबर ने बाबर को जो है काबुल में दफनाया था। दफनाया क्या दोस्तों, उस समय जो है कि आगरा में उसको पहले दफनाया गया था, तब तक तो जब तक अकबर को ये बातें पता चलती है तब तक तो उसकी हड्डियां भी गल गई होगी, पर वहाँ पे बस वो खुदाई करवाता है, वहाँ की मिट्टी ले जाके काबुल में जो है खुदवा के दफना देता है, ठीक है, मिट्टी को ही। तो ये रही पूरी जानकारी दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों, ठीक है, धन्यवाद।